उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने सरयू नदी में शुक्रवार को पहले मिनी क्रूज का लोकार्पण किया। इसी के साथ ही सरयू नदी में जल सेवा भी शुरू हो गई। इससे पहले उन्होंने सरयू अतिथि गृह में अयोध्या में चल रहे विभागीय कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान मंत्री ने विभागीय कार्य को गुणवत्ता के साथ दीपोत्सव से पहले पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों से कहा कि मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम जनवरी 2024 में प्रस्तावित, इससे पहले अयोध्या को भव्य और अलौकिक बनाना है। पूरे विश्व की निगाहें इस समय अयोध्या की हो रहे हैं। लंबे संघर्षों के बाद भगवान राम की इस जन्मभूमि का, इस मंदिर का नए स्वरूप में आपके सामने आ रहा है। जनवरी में लोकार्पित माननीय प्रधानमंत्री के करकमलों से होना है। सरकार का प्रयास है कि ज़्यादातर योजनाएं उस समय तक पूर्णता की स्थिति में पहुँचें। उसी के क्रम में जल मार्ग से भी क्रूज के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया गया है। इस 9 किलोमीटर की यात्रा गुप्तान घाट से नए घाट तक की है। इसको आवागमन के द्वारा मामूली किराए पर, जिसके साथ व्यंजन भी तरह तरह के यहाँ के खिलाने का काम कराया जाएगा, और मामूली किराए पर सारे तीर्थ स्थल, सारे मंदिरों के, भगवान राम के मंदिर सहित सभी के दर्शन सुलभ होंगे, अवलोकन करेंगे लोग, और माँ सरयू का आशीर्वाद लेते हुए यहाँ से धन्य होने का काम करेंगे। इस दौरान कमिश्नर गौरव दयाल ने कहा कि जटायु क्रूज जो चल रहा है, इससे बड़ा क्रूज लाया जाएगा। ये 75 सीटर का है। ये 45 मिनट की दूरी में अयोध्या से संबंधित रामायण कालीन पिक्चर्स दिखाएगा। इससे आवागमन की सुविधा भी बेहतर होगी। सायंकाल नया घाट से जटायु क्रूज का जलावतरण हुआ है, और इसके लिए माननीय मंत्री जी, पर्यटन मंत्री जी ने इसका जलावतरण किया है। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी अयोध्या के नेतृत्व में इंस्पेक्टर अयोध्या और अन्य पुलिस बल को लगाया गया था। जल पुलिस पहले से ही यहां काम कर रही है, उनको भी लगाया गया था, और इसके अलावा हमने रस्सा पार्टी और पीएससी की ड्यूटी लगाई थी। ये जो कार्यक्रम था, ये सब कल संपन्न हो गया है, और अब जटायु क्रूज जो है सरयू नदी की गोद में चलेगा, और जो पर्यटक हैं या जो लोग हैं वो इसका आनंद और लाभ ले। इस दौरान सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि राम की नगरी में जो क्रूज चल रहा है, इसका और विस्तार किया जाएगा। बता दें कि इस क्रूज का नाम जटायु रखा गया है, जो अयोध्या के नया घाट से लेकर गुप्तार घाट तक चलेगा। इस दौरान 9 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में पूरी की जाएगी। इस क्रूज की मदद से लोगों को अयोध्या को देखने का मौका मिलेगा, साथ ही पावन सरयू नदी का भी लोग आनंद उठाएंगे। हम इस समय अयोध्या के नया घाट पर खड़े हुए हैं, जहां से आज से जटायु क्रूज का संचालन शुरू हो रहा है। ये पहला क्रूज है जो अयोध्या के सरयू तट पे चलेगा। कलेक्टर ने बताया कि इस तरह के करीब 5 क्रूज और आने वाले हैं, और वो भी जनवरी तक यहां पर संचालित हो जाएंगे। डीएम नीतीश कुमार पूरा आश्वस्त हैं कि यहां पर सरयू तट में इतनी व्यवस्था कर दी जाएगी कि पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को सरयू नदी में जल विहार करने का मौका मिलेगा। ये एक पहला अवसर है, जिसकी वजह से लोग एक तरीके से नए सिरे से एक पर्यटन की नई दिशा शुरू हो रही है, और ये इससे लोगों को सरयू नदी में परिवहन का भी एक मौका मिलेगा। ये क्रूज़ यहाँ नया घाट से और गुप्तार घाट तक चलेगा, जो जिसकी दूरी करीब 18 किलोमीटर है, जिसमें लोगों को रामायण का दर्शन भी अंदर होगा, वीडियो ऑडियो वीडियो की तरह से, और साथ में लोगों को नाश्ते की भी व्यवस्था रहेगी, जो कि यहाँ का अवधि भोज रहेगा। मैं बी एन दास, नवभारत टाइम्स, अयोध्या।